नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई का अवलोकन करने आए महादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की छात्राओं ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्राओं से लोकतंत्र की प्रणाली के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि कैसे कार्य करते हैं उसके संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि छात्र विधानसभा की कार्रवाई के अवलोकन से नया अनुभव लेकर वापस लौटेंगे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बहेड़ ने सदन के तीसरे दिन सदन में विपक्षी सदस्यों की तरफ से भ्रष्टाचार के विषय को उठाने की बात कही है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार की छवि धूमिल हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। प्रदेश के अंदर, कल हमने कानून व्यवस्था में बोला था, प्रदेश के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर ली, चाहे जमीनों के मामले हो, चाहे चीनी मिलों के पुनरुद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल हुआ, और सबसे बड़ा मामला जो है जो जलाशय है उसके अंदर जो मछलियों को के ठेके दिए गए हैं वो अजमेर सिंह हरियाणा का रहने वाला है और उसी की फर्म है दूसरी अनिता की सेकंड जिसके लोएस्ट था उसका, तो बहुत बड़ा खेल हुआ है। पिछले 5 साल पहले जो रेट थे उससे भी कम में दिया गया और 5 साल की जगह 10 साल कर दिया गया। ये 10 साल क्या होता है, 10-10 साल के लिए लीज पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल देने के बाद कैबिनेट में बाद में आता है 10 साल का, और उससे पहले हो जाता है उसका, तो ये बहुत बड़ा घोटाले हो रहे हैं, करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में गौवंश की स्थिति को लेकर पशुपालन मंत्री से सवाल किया गया। मांग की गई कि राज्य में निराश्रित गौवंश पर कार्य किया जाए ताकि गौ माता का संरक्षण हो सके, गौवंश को बचाया जा सके। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने के लिए गौ सदन को बनाने का कार्य किया गया है, जिसमें धामी सरकार ने उनके चारा के लिए बजट को बढ़ाने का काम किया है। पशुपालन मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश भर में 27,000 निराश्रित गौवंश सड़कों पर हैं और अभी तक 3,000 निराश्रित को गौ सदनों में भेजा जा चुका है। गैरसैन ने ये बात कही थी, आज फिर कह रहा हूँ कि विपक्ष आधी अधूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर आता है, तथ्यों को रखता है, उनको जानकारी ही नहीं है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है। मैंने आज भी सदन में बताया, पिछले सदन में भी ये बात कही थी कि उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने निराश्रित गौवंश को संरक्षण देने के लिए कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई, जिसने 70 नई गौशालाएं बनाने के लिए DPR काम चल रहा है। हम पहले प्रदेश हैं पूरे देश में, जब मैंने यहाँ पे विभाग ज्वाइन किया था और 5.75 रुपए प्रति जानवर प्रति दिन हम देते थे गौशाला के भरण पोषण के लिए, हमने उसको 1 साल के अंदर 30 रुपए बढ़ा के किया और उत्तराखंड अकेला प्रदेश है जो आज 80 रुपए प्रतिदिन प्रति जानवर दे रहा है भरण पोषण के लिए। 70 गौशालाओं में लगभग हमने 52 गौशालाओं को हमको DPR बन के आ गए हैं। 17 करोड़ रुपए हमने गौशालाओं के निर्माण के लिए ऑलरेडी स्वीकृत कर दिए हैं, तो लगातार एक प्रक्रिया जारी है। 3,500 जानवर हम इस वक्त सड़कों से उठा के गौशालाओं में शिफ्ट कर चुके हैं। ये समस्या कोई बहुत छोटी समस्या नहीं है और जेन्युइन समस्या उत्तराखंड की है, क्योंकि इससे किसान भी परेशान है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, हमारे पशुओं को भी हानि पहुंच रही है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जड़ जो है वो समझना चाहिए विपक्ष को कि हम गौशालाएं बना देंगे, हम गौशाला में उठा के 27,000 जानवर इस बार उठा के रख देंगे, लेकिन जब तक आदमियों की मानसिकता नहीं बदलेगी गौ माता के प्रति, जब तक गौ माता को सड़कों पर हम लोग छोड़ते रहेंगे तब तक ये समस्या जीवित रहेगी, हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस के सहयोगियों के साथ मिलकर विधानसभा कूच किया। इससे पहले हरीश रावत समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता हरिद्वार रोड स्थित एक होटल के पास इकट्ठा हुए, उसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए विधानसभा की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को
रिस्पना पुल से पहले बैरिगेटिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान आगे बढ़ने के लिए पुलिस और प्रदर्शन में भाग ले रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इससे नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर सभा का आयोजन किया, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक बैरिगेटिंग के पास धरना चला। प्रशासन ने जल्द ही मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक के द्वारा बीजेपी प्रत्याशी को मतदान किए जाने पर उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इसके लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य है और यहां पर इस तरह का वातावरण नहीं है। देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड राज्य की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में इस तरीके का कोई खतरा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हुआ है निश्चित रूप से, बहुत दुखद भी है और मैं समझता हूँ कि वहाँ का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर जो है आगे क्या कदम उठाना है सोचेगा और तदनुसार आगे बढ़ने का काम करेगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव की बेहद नजदीक तिथि आ जाने के बाद में चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी चुनाव लड़ने को लेकर उनका नाम चर्चाओं में आ रहा है, लेकिन उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे भी जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने मेरा नाम लोकसभा चुनाव के लिए उठाया है, लेकिन मैंने कोई दावेदारी नहीं की है। ना तो आवेदन किया है, ना ही मैंने कोई ऐसी इच्छा जताई है। हाँ, जो सर्वे हुई है उसमें मुझे बताया गया कि मेरा भी नाम 2-3 जगहों से आया है और ये हाईकमान का काम है। जो हाईकमान आदेश करेगी उसका पालन हम सभी लोग करते हैं, सिपाही हैं, जैसा हाईकमान कहेगा हम वो काम करेंगे। लगातार बैठकें चल रही, हमारे जो प्रभारी है 5 वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमारे जो नीचे के रूट्स को मजबूत करना वो काम चल रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी आए, बीच में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब यहाँ भक्तचरण दास जी आए, हमारी बहन अलका लंबा जी आए, गुरदीप सप्पल यहाँ आए जिन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक की, और हमारी आदरणीय शैलजा जी 2 महीने के कार्यकाल में 3 बार उत्तराखंड आ चुके हैं, वो विभिन्न किस्म की बैठकें ले रही हैं। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने न्यायालय से प्राप्त वारंटों की समीक्षा की है और लंबित वारंटों के लंबित रहने की वजह संबंधित थाना प्रभारी से लेकर शीघ्र निस्तारण करने के उनको निर्देश भी दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए अभियान चलाया गया, जिसमें दून पुलिस ने कुल 30 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। 2 साल के कार्यकाल में ही सीएम धामी ने अपने धाकड़ निर्णयों से पूरे देश में अलग पहचान बनाई है। चाहे वह देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून है या फिर विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास कराने को लेकर पूरे देश को उत्तराखंड की ओर समानता का संदेश देना। 5,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना भी सीएम धामी की विशेष पहचान बनी है। मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भू माफियाओं की कमर तोड़कर रखी है। देवभूमि में दंगाइयों की खैर नहीं, यूपी से भी सख्त होगा उत्तराखंड का कानून। संपत्ति छत-विछत वसूली कानून को लेकर सरकार तैयार, विधानसभा में होगा पेश, जाएगा बड़ा संदेश। उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की सोची भी तो खैर नहीं। जी हां, क्योंकि धामी सरकार दंगाइयों और तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन लेने जा रही है बकायदा कानून के जरिए। खबर है कि उत्तराखंड में लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक उत्तर प्रदेश में लागू कानून से सख्त होगा। इसके लिए गृह विभाग में मंथन लगभग पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कानून से अलग कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस कानून के प्रदेश में लागू होने के बाद प्रदर्शन दंगे के वक्त संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई आसान हो जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रदेशों में इस तरह के कानून पहले से लागू हैं, जबकि उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों को नुकसान होने पर लोक संपत्ति विरूपण कानून ही अस्तित्व में है। लेकिन इससे दंगाइयों और तोड़फोड़ करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे में पिछले दिनों बनभूलपुरा में हुई घटना के बाद
सरकार ने राज्य में भी एक सख्त कानून लागू करने के लिए कमर कस ली है। अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेताओं की माने तो बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये एक देवभूमि है, वीर भूमि है हमारी। हमारे उत्तराखंड को जो हल्द्वानी की घटना थी, बहुत ही शर्मसार घटना थी। उत्तराखंड को कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ उत्तराखंड में कि हमको एक हल्द्वानी जैसी घटना को झेलना पड़ा है, जिससे कि पूरे देश में कहीं ना कहीं हमारे उस छोटे से शहर का नाम खराब हुआ, जो कि एक समन्वय के नाम से जाना जाता था, जो एक सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को साथ लेकर चलने वाला शहर था। तो एक मैसेज देने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, वीर भूमि है। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पनप सकता जो उत्तराखंड का समन्वय खराब करने की कोशिश करे। वैसे भी देश का संविधान पहले ही तमाम कानूनों से भरा पड़ा है, सख्त से सख्त कानून हमारे संविधान में है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट धामी सरकार नहीं कर पा रही है। ना तो वो नकल को रोक पा रही है, ना वो दंगे को जो है नियंत्रित कर पा रही है। जब सरकार के अधिकारी ही दंगा भड़काने का काम करेंगे, सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री ही जो है दंगे वाली भाषा का उपयोग करेंगे, तो कहाँ से जो है कानून का पालन होगा। तो ये देश की जनता भी अब समझ रही है कि भाजपा की कथनी करने में भारी अंतर है और धामी सरकार जो है नंबर वन के मनोरोग से ग्रसित है। वैसे तो दावा किया जा रहा है कि इस कानून को अस्तित्व में आने के लिए जिम्मेदार विभागों ने उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन किया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस कानून में कुछ नियम कायदे उत्तर प्रदेश में लागू कानून से भी सख्त होंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि सरकार की सख्ती से प्रदेश में हालात बदलेंगे या फिर ये सिर्फ सियासी दाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर त्यूड़ी से है, जहां पंद्राड़ू हिमाचल से दसौ जा रही एक कार हड़सियों गांव में 800 मीटर की गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में 7 लोग सवार थे, जिसमें मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने घायल व्यक्ति को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूड़ी में भर्ती कराया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। त्यूड़ी में 800 मीटर खाई में गिरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, अटल त्यूड़ी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त कार में 6 लोगों के हताहत होने से अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। खबर देहरादून से है, जहां देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद कंडारी ने 10वीं बोर्ड में परीक्षा के सभी टॉपर छात्रों को हर साल भारत दर्शन की बात कही थी। उसी के तहत प्रदेश भर के छात्र बोर्ड परीक्षा में टॉप करने पर भारत दर्शन कार्यक्रम पर जाएंगे। हर ब्लॉक के 2 बोर्ड परीक्षा के टॉपर भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण करेंगे। इसके लिए आम बजट का भी प्रावधान किया गया है, जिस पर देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का आभार व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो पहल मैंने अपनी देवप्रयाग विधानसभा में शुरू की थी, कई सालों से मैं भारत दर्शन कार्यक्रम मैंने शुरू किया था। और कल जब माननीय वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रहे थे, तो बजट में मैं बजट पढ़ते पढ़ते जब हम आगे बढ़ रहे थे, तो एक बीच में जब मैंने देखा पढ़ा, उसमें जब वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि भारत दर्शन कार्यक्रम जो शैक्षणिक कार्यक्रम है वो जो है बजट में प्रावधान किया गया, तो निश्चित तौर पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो घोषणा इस वर्ष में जो की थी, उस घोषणा को भी पूरा। बच्चे 100 बच्चे जाते हैं, वो हर साल इसी तरीके से जाते रहेंगे। और एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो पहल मेरे द्वारा एक विधानसभा में शुरुआत की गई, वो पहल आज पूरे उत्तराखंड के अंदर भारत दर्शन कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम बन गया और उन्हें बजट में उसमें प्रावधान कर दिया गया। इसलिए मैं एक बार मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
खानपुर विधायक उमेश कुमार देवपुरा पहुंचे, जहां विधायक उमेश कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने मसीह समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सेवा, समर्पण और दया सिखाने वाले मिशनरी ने विश्व को नई दिशा दी है। जनपद में मसीह समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते इस समुदाय को प्रार्थना सभा से लेकर अपने पर्व और सामुदायिक कार्यक्रम करने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी ईसाई समाज के युवाओं की शादी कराई जाएगी। इस मौके पर देवपुरा स्थित चर्च के विल्सन ने खानपुर विधायक के प्रयासों को सराहा। मेरे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी एक समान है। ये ईश्वर तक जाने के, ईश्वर की प्रार्थना के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। तो हम तो सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं, उसी का एक माध्यम था। आज एक इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था और सभी से मिलना जुलना हुआ और मुलाकात हुई, अच्छा लगा। खबर डोईवाला से है, जहां रायपुर ब्लॉक में सन गांव के लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़क विहीन सन गांव, नाही कला और सिंधवाल गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करते हुए गांव की सीमा पर चुनाव बहिष्कार का नोटिस बोर्ड लगाकर राजनीतिक दल के लोगों से वोट मांगने के लिए गांव में न आने का निवेदन किया है। आपके माध्यम से यही सभी नेताओं कहना चाहते हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में वोट मांगने ना आए। हमने बिल्कुल पूर्ण बहिष्कार कर लिया है ताकि सड़क में हमारी समस्या को दूर करें, तभी जाके हमारे यहाँ वोट मांगना है। बहुत है, हॉस्पिटल भी 10-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ता है, कभी पहाड़ों से आना पड़ता है तो रास्ते भी नहीं है, घोड़े या चारपाई चुरपे करके उसमें लाना पड़ता है हमें। लड़कियों की शादी होती है तो वो भी डिमांड पहले हो जाती है कि वेडिंग पॉइंट में कोई आने को तैयार ही नहीं होता ऊपर। अगली खबर रुड़की से है, जहां एसएसपी परवीन सिंह डोभाल ने झबरेड़ा थाना क्षेत्र में हुई वृद्धा की हत्या का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि मृतिका की बहू ने सास के द्वारा रोक टोक करने पर उसका गला घोटकर हत्या कर दी। बता दें कि 15 फरवरी को वृद्धा के शव मिलने पर पुलिस को शक हुआ। जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मामले का खुलासा हुआ कि बहू ने अपने प्रेमी से नींद की दवाई लेकर उसे खिलाई और जब वह बेहोश हो गई तो उसका गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये झपरेड़ा थाने में अकबरपुर फाजिलपुर जो गांव है, वहाँ पर 15 तारीख को एक मृतका जिसका नाम सावित्री है, वो उसकी जब बॉडी प्राप्त हुई थी, पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया था। जब पंचायतनामा की कार्रवाई में ये बात क्लियर हुई थी कि इसके गले में कुछ लिगेचर मार्क दिखाई दिए थे, पुलिस ने तत्काल उससे संज्ञान में लेते हुए पीएम के लिए भेजा था। जब पीएम रिपोर्ट आने तक पुलिस ने इसमें 302 में इसको तरमीम किया गया। उसके बाद जब पुलिस ने परत दर पर इसको आगे जाना विवेचना में, तो पता लगा कि ये जो सावित्री देवी है, ये अपनी बहू जिसका नाम लक्ष्मी है, उसके साथ इसका बार बार मनमुटाव था। खासकर वो जो इसकी बहू है लक्ष्मी, उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक जॉनी नाम के युवक से चल रहा था। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में सेवारत रहने वाले कोविड 19 कर्मचारियों का आज विधानसभा में कूच हुआ है, जिसको लेकर कोविड 19 कर्मचारी संतोष राणा ने कहा है कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर सेवा देने का हमें यह सिला मिला है कि 241 दिनों से हम धरना स्थल पर हैं और बीते 110 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठने को विवश है। उन्होंने कहा कि हमारी केवल एक ही मांग है कि 900 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में पुनः समायोजित किया जाए, जिससे हम अपनी बदतर होती आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें। सबसे बढ़िया सर, 241 दिनों से हमें धरना स्थल मिल रखा है, वो भी वो दौर में काम करके कि जब हम अपने अपनों को नहीं छोड़ रहा था, उस कोविड दौरान में हमने काम करा, उस कोरोना के दौरान हमने काम करा, जब अपने अपनों को नहीं देख रहा था, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा था क्योंकि कोरोना था, महामारी प्राण जा रहे थे उससे, तो हमने अपने घर बार छोड़ के हम उस आग में कूदे, उस कोरोना में काम करने के बाद, 3 साल लगातार काम करने के बाद आज हमें ये मिल रखा है। 110 दिन की हमारे लगातार भूख हड़ताल चली, 241 दिन हमें लगातार हो चुके हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें स्वास्थ्य विभाग में समायोजन कर दिया जाए, हमारी रोजी रोटी चलाइए। सरकार किस लिए बनी है? केवल रोजी रोटी चलाने के लिए, रोजगार देने के लिए। हमारा रोजगार छीना जा रहा है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पुलिस ने काजल की लकड़ी की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर वन विभाग को सौंप दिया है। आपको बता दें कि काले धंधे में लिप्त माफियाओं के खिलाफ उत्तरकाशी पुलिस कप्तान अपर्णा यदुवंशी एक्शन मोड में है, जहां पुलिस कप्तान ने सभी अधिकारियों को तस्करों पर कड़ी नजर रखते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
खबर हरिद्वार से है, जहां जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। बता दें कि जगदीशपुर में सुबह एक जंगली हाथियों का झुंड कॉलोनी की ओर नजर आया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने इसका वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगली हाथियों का झुंड जंगल के पास बनी कॉलोनी में सैर कर रहा है और कुत्ते लगातार जंगली हाथियों को देखकर भौंकते नजर आ रहे हैं। इसकी जानकारी क्विक रिस्पॉन्स टीम को दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथियों को जंगल की ओर भेज दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।